प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटियां अंबर जैदी और नाज़िया लाई खान जी को, जो कि मजहब के ठेकेदार और देशद्रोही ओवैसी पे भड़क गई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। खुद ओवैसी को बोलते हैं कि मॉडर्न डे जिन्ना, जिस तरह से वो जिस लाइन पे मुसलमानों को लीड कर रहे हैं, वैसे भी हमने लोकसभा के चुनावों में देखा एक तरफा मुसलमानों ने मोदी के अगेंस्ट वोट किया, पर उसके बाद कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट या हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर आप ओपनली आप इस तरह से एक पार्टी और एक किसी तरह से प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में उतर जाते हैं और फिर आप संविधान की लोकतंत्र की बात करते हैं और सीधे असदुद्दीन ओवैसी संविधान की कसम खाकर पार्लियामेंट में जय फलस्तीन कहते हैं, तो ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और ये भी सवाल है कि अगर आप भारत में रहकर अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि हमको सरकार ने क्या दिया, कितनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्या क्या हमें मिल रहा है और किस लाइन ऑफ पॉलिटिक्स पे आप चल रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी नहीं है कि एक तरफ तो आप अपनी आज़ादी की बात कर रहे हैं और ऊपर से एक तरफ आप बिल्कुल खुला बॉयकॉट कर रहे हैं, आपके लीडर्स भी, आपके मौलाना भी, और आप खुद जयकारा कहते हैं कि जयकारा लगाने की इजाजत ही नहीं, फिर आप जय फलस्तीन भी बोल देते हैं। इस सबसे क्या समझा जाए? आपको नहीं लग रहा कि ये मुसलमानों को लीड करने के बजाय उनको और रिवर्स में ले जाने की का काम कर रहे हैं? नहीं, आपने एक वर्ड बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, मॉडर्न जिन्ना, नए 21वीं सेंचुरी का जिन्ना। जब जिन्ना ने गांधी जी से ये कहा था कि मुझे एक जगह दे दीजिए, मैं इस्लामिक देश बनाऊंगा क्योंकि मेरी बोली चाली, मेरा खान पान, मेरा वेशभूषा और मेरा पहनावा सब कुछ अलग है, तो मुझे एक जगह दीजिए जिसमें मैं एक इस्लामिक देश बनाऊंगा। बर्बाद हो गया पूरा पाकिस्तान, जिन्ना से लेकर के, लियाकत से लेकर के, बेनजीर भुट्टो से लेकर के, अब तक ही पाकिस्तान बर्बादी से बर्बाद होता चला जा रहा है। पाकिस्तान कभी उठा नहीं, जब तक भीख मिलता रहा वो तेरा मेरा रिश्ता क्या लाई लहा वाला एक सेंटिमेंटल ईटा फेंक फेंक करके तब तक पाकिस्तान चल रहा था। अब तो 56 मुस्लिम मुल्क भी समझ गए हैं कि ये भीख ही मांगने आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के दिमाग में सिर्फ लालच है प्रधानमंत्री बनने का, एक मुस्लिम देश बनाने का। एक मुस्लिम देश वो इसलिए नहीं बनाना चाह रहा है, वो भारत में रह करके भारत के संविधान के साथ खेल करके, भारतवासियों के साथ खेल करके, वो मुसलमानों का भला करने के लिए मुसलमान देश नहीं बनाना चाह रहा है। उसको अपने जीवन में ठीक जिन्ना की तरह भी वजीर आजम बनना है, उसको ये टैग लेकर के मरना है कि वो इस कंट्री का वजीर आजम था। तो ये ग्रीड है। अब जिन्ना को ग्रीड था, अब जिन्ना के लिए देखिए, जिन्ना के परिवार कोई वैडिया नाम रख चुके हैं, कोई कुछ नाम रख चुके हैं, कोई अपना जिन्ना का परिवार वाला, जिन्ना की बेटियां, जिन्ना के नाती पोते भी जिन्ना के बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं और कभी पाकिस्तान गए भी नहीं और जाना भी नहीं चाहते हैं। उस इंट्रोडक्शन से वो अपने आप को बहुत परे रखते हैं क्योंकि उनको पता है कि पूरी दुनिया उनको थूक देगी अगर वो बार बार ये कहेंगे कि वो जिन्ना के परिवार वाले हैं। तो वैडिया नाम ही चेंज हो गया, टाइटल ही जिन्ना का चेंज हो गया। अब लियाकत के पूरे परिवार वाले को ढूंढिया, कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, कोई नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। नवाज शरीफ को आप देख लीजिए, नवाज शरीफ के जो बेटे हैं उनको अरबों की प्रॉपर्टी जो है वो अमेरिका और दुबई में बना करके रखा हुआ है। भाई 26 साल 27 साल के बच्चे के पास अरबों की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई भैया? 32 साल में मुझे नहीं आई, 27 साल में आपको नहीं आई, उन लोगों को 23 साल 24 साल में अरबों की प्रॉपर्टी आ चुकी है। तो इनका जो स्ट्रैटेजी है ठीक इन पाकिस्तान के जिन्ना, लियाकत, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो की तरह असदुद्दीन ओवैसी का भी है कि वो मरना चाहता है अपने नाम के आगे टैग लगा करके कि ये मुस्लिम कंट्री का एक वजीर आजम था और वहां पर मुसलमानों का कुछ भी भला नहीं होगा। वही मार काट, गोली बम बारूद, बलात्कार, कन्वर्शन, यही सारी चीजें। बिल्कुल, और मैं इस बात से अग्री करती हूँ। इनफैक्ट मैं तो ट्यूनिशन थ्योरी से भी आज अग्री करती हूँ, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने 18वीं लोकसभा में जो बात कही है जय फलस्तीन, तो एक बार फिर से उन्होंने ये बात साबित कर दी। और जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये बात कहते थे कि मुसलमान और हिंदू एक साथ ही रह सकते, इनफैक्ट जिन्ना ने यही कहा था कि मुसलमान और हिंदू, गाय को पूजने वाला और गाय को खाने वाला एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल सही बात है, नहीं रह सकते। और जो भारत का पार्टीशन हुआ था उस वक्त पूरी तरह से पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, जो इतिहास में ये ब्लंडर हुआ है।
मुझे लगता है उसको वापस से ठीक करने की जरूरत है, और ओवैसी जैसे मुसलमानों को पाकिस्तान या फलस्तीन ही भिजवा देंगे। बहुत जरूरी है कि ओवैसी जी को फलस्तीन भिजवा दिया जाए। लेकिन हरिशंकर, नाज़िया हरिशंकर जैन जी ने जो याचिका दायर की आर्टिकल 102 के तहत, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है और होगी कुछ, या फिर सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि इस तरह की चीजें वो करते रहते लगातार खबरों में बने रहने के लिए? सर्वोच्च न्यायपालिका में सिर्फ दो ही लोगों के पिटिशन बहुत जल्दी सुने जाते हैं, एक अभिषेक मनु सिंघवी जी के और एक कपिल सिब्बल जी के। हमारे हमारे एसएलपी रिट पिटिशन हमारे पीआईएल लिस्ट में बहुत बहुत मेंशनिंग और बहुत परिश्रम के बाद आती है। 1984 में शाहबानो पीआईएल फाइल करती है, 2014 में मैं करती हूँ, तो 2017 में 1984 से 2017 में जजमेंट आता है। 2019 में मैंने पॉलीगेमी हलाला किया है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है, हियरिंग चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पर है। अभिषेक मनु सिंह भी जब करते हैं तो उसका मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। कपिल सिब्बल जी जब करते हैं तो सर्वोच्च न्यायपालिका 4-4 घंटे उनको समय दे करके आर्टिकल 370 कैसे हटाया जा सकता है उसके बारे में सर्वोच्च न्यायपालिका सुनता है, बगौर सुनता है कि हट कैसे हम हटा सकते हैं। वो तो संविधान के द्वारा नहीं हटा पाए, नहीं तो जगह ढूंढने की पूरी कोशिश की गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत के राष्ट्रपति को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा कर करके ओवैसी के ऊपर कोई लीगल कार्रवाई का अगर सोचा जा रहा है। हमने एक जो महत्वपूर्ण स्टेप है वो विष्णु जैन जी ने भी लिया है, मैंने भी लिया और भी कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने लिया है, लेकिन साथ साथ मेरा पूरा, मैं अपने अपने बारे में पर्सनली कह रही हूँ कि मेरा पूरा का पूरा फोकस हमारे भारत की राष्ट्रपति पर है कि वही अगर कुछ चाहें तो कर सकती हैं। क्योंकि पता चला कि 1 साल 1.5 साल 2 साल पार्लियामेंट का सेशन चल गया है और उसके बाद फिर हमारी हियरिंग स्टार्ट ही हुई है, तो फिर कोई कोई उसमें एक जो फोकस होता है, जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है, वो तो कुछ आ ही नहीं पाएगा। एंड आई डोंट बिलीव कि हमने जो फाइल किया है या विष्णु जैन जी ने जो फाइल किया है वो कल आ जाएगा उसको एक इमीडिएट चीज देख करके कि भाई भारत में डेमोक्रेसी के मंदिर में संविधान का जहां पर शपथ लिया जा रहा है, इस राष्ट्र की सुरक्षा की जा रही की जाने की कसमें खाई जा रही है, अपने अपने राज्य के सुरक्षा की कसमें खाई जा रही है, वहां पर उन फिलिस्तीन का जय जयकार किया जा रहा है जिसने इसराइल की बहू बेटियों को नंगा करके उसका बलात्कार किया, न्यूड फोटो शूट किया, बच्चों को जलाया माइक्रोवेव में, उस फिलिस्तीन का जय जयकार किया जा रहा है। तो इसको बहुत वैल्यूबल समझ करके सर्वोच्च न्यायपालिका बिल्कुल भी अपर लिस्ट में नहीं ला सकता है, एज पर माई थिंकिंग, जो मैंने मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इसमें राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को ही कुछ ना कुछ संज्ञान लेना पड़ेगा जी। और उम्मीद करती हूँ कि भारत की राष्ट्रपति इसका संज्ञान लें, क्योंकि ये बहुत ही कंसर्निंग एक इशू है कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह का जयकारा संविधान के इस मंदिर से लगाया है। आगे कुछ और भी हो सकता है और ये पूरे देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन में आप शामिल हुई और आपने अहम इनपुट दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय, जय संविधान। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह अंबर जैदी और नाज़िया अली खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी नाज़िया अली खान जी ने कैसे ओवैसी को एक्सपोज किया, जो कि भारत के टुकड़े करके एक नया देश बनाना चाहता है, क्योंकि उसका सपना है कि वो एक देश का प्रधानमंत्री बने और जो संसद में खड़े होके जय फिलिस्तीन के नारे तो लगा सकता है, पर जब बात आती है भारत माता की जय बोलने की, तब वो कहता है कि इस्लाम उसको इसकी इजाजत नहीं देता। तो जैसे कि नाज़िया अली खान ने कहा, मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि राष्ट्रपति जी को ओवैसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और उसकी सदस्यता को कैंसिल कर देना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।